तो आज के वीडियो में बात करेंगे 5G के ऊपर, जो कि 5G का आने वाला प्लान है, जो कि आने वाले टाइम में आपको प्लान देखने को मिलेगा, उसी के रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आने वाला समय में आपको 5G का प्लान कितना हाई देखने को मिलेगा। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा मैंने रिसर्च किया और अपने हिसाब से जो है प्लान को बनाया हूँ मैं। यहाँ तक आपको प्लान देखने को मिल सकता है, एक्सपेक्टेड आप सब मान सकते हैं ये प्लान आपको 100% जियो में देखने को मिलेगा 5G में। क्योंकि अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपको हर समय 5G जो है फ्री देखने को मिलेगा, ऐसा तो होगा नहीं, आपको प्लान तो देखने को मिलेगा ही। और कब तक आपको 5G प्लान जो है लॉन्च हो जाएगा, इससे पिछले वीडियो में आप सब देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। इस वीडियो में बात करूँगा सिर्फ कि आपको जो आने वाला टाइम है उसमें प्राइस रेट कितना रहेगा, यानी कि 5G का जो भी प्लान आएगा कितना रहेगा, क्या उसमें अनलिमिटेड 5G रहेगा या नहीं। ये प्लान जो मैं बता रहा हूँ ये 4G के लिए स्पेशल नहीं है, आपको 5G 4G दोनों सेम एक ही प्लान में देखने को मिलेगा, आपको अलग अलग देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि 4G के लिए आप अलग से रिचार्ज कराएंगे, 5G के लिए आप अलग से रिचार्ज कराएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, आपको एक ही रिचार्ज कराना पड़ेगा। अगर आपके पास 5G फ़ोन है तो आप अनलिमिटेड 5G का यूज कर पाएंगे, अगर आपके पास 4G फ़ोन है तो आपको वही लिमिट वाला जो आपको डेटा देखने को मिलेगा दिन का, वो आपको देखने को मिलेगा। तो मैं एक्सपेक्टेड जो है प्लान बना लिया, नोट कर लिया काफ़ी रिसर्च करने के बाद, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसे छोटा सा काम करना है, इस चीज़ के बारे में आपको लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जियो एयरटेल दोनों में सेम प्लान रहेगा। अब एयरटेल का उतना मुझे पता नहीं, स्पेशल मैं जियो के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, जियो का किस तरह से प्लान रहेगा, वरना आप सब तो कमेंट करने लगते हैं यार एयरटेल का अलग है प्लान। नहीं, मैं जियो के स्पेशल पर बना रहा हूँ, यानी कि जो भी आपको ये प्लान मैं बताने जा रहा हूँ वो जियो पर वर्क करेगा, यानी कि जियो का जो भी आएगा उस पर ही काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे तीन मैं प्लान को लिया हूँ, जो कि लेटेस्ट तीन प्लान है, यानी पॉपुलर प्लान जो है तीन है अभी जियो का, जो कि एक है 1 महीना का जो कि ज़्यादातर लोग कराते हैं, और दूसरा है 2 महीना का, और तीसरा है 3 महीना का। ये तीनों प्लान जो है काफ़ी जियो का पॉपुलर है, ज़्यादा लोग जो है कराते हैं। बाकी आपको एक एक साल का जो प्लान देखने को मिलता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो प्लान जब भी आएगा उसमें कुछ ऑफर वगैरह आपको साथ में मिलेगा, तभी आप वो प्लान को यूज, क्योंकि वो लेंदी हो जाएगा थोड़ा, मैं अगर उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो। सिर्फ मैं जो कि साफ साफ तीन प्लान होता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, उस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस प्लान पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि जियो ने कहा है कि हमारा जो भी प्लान आएगा अभी तो फिलहाल लग रहा है 10% ही बढ़ाएगा, यानी जो भी प्राइस होगा 10%, क्योंकि एक बार ही नहीं डायरेक्ट 30% कर देगा, लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ाएगा। लेकिन शुरू में जो आपको प्राइस हाइक देखने को मिलेगा वो 10% का, यानी 10% का। अब 10% के हिसाब से कितना देखने को मिलेगा मैं बताता हूँ। सबसे पहला प्लान 239 रुपये का, जिसमें आपको अभी 28 दिन के लिए मिलता है 1.5 GB डेटा एंड अनलिमिटेड कॉलिंग 28 दिन के लिए, और 5G अगर आप यूजर है तो आपको अभी अनलिमिटेड देखने को मिलता है। इसमें अगर आप 10% जियो बढ़ाया शुरू में तो इस प्लान का जो प्राइस होगा 259 रुपये, यानी 259 रुपये, जिसमें आपको थोड़ा डेटा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, 4G डेटा में थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, यानी कि आपको 2 GB से लेकर 2.5 GB पर डे तक देखने को मिल सकता है। ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको 2 GB से लेकर 2.5 GB तक पर डे देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सेम अनलिमिटेड कॉल देखने को मिलेगा। इसमें 5G अनलिमिटेड की मैं बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिल सकता है आने वाला समय में, क्योंकि अनलिमिटेड आपको देखने को नहीं मिलेगा। मंथली आपको 3000 GB का जो है डेटा देखने को मिलेगा, 5G डेटा 3000 GB का, यानी महीना में आप 3000 GB तक ही यूज कर पाएंगे 5G डेटा। अब 3000 GB 5G में भी काफ़ी होता है, आप यूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर हैवी अगर आप यूज करेंगे तभी ख़त्म होगा, लेकिन नॉर्मल अगर आदमी है तो उतना यूज नहीं होगा, 3000 GB काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये 3000 GB आपको जो है देखने को मिलेगा 1 महीना में, यानी 259 आप रुपीज पे करेंगे, जिसमें से आपको 2.5 GB से लेकर 2 GB डेटा 4G देखने को मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग देखने को मिलेगा, और 5G आपको 3000 GB तक देखने को मिलेगा। अभी जो 2 महीना का प्लान चल रहा है 479 का, जिसमें आपको 1.5 GB डे देखने को मिलता है 56 डे के लिए, यानी 2 महीना आप मान के चल सकते हैं, 2 महीना आपको देखने को मिलता है 479 में, जिसमें आपको 1.5 GB पर डे देखने को मिलता है 56 डे के लिए। अगर इसमें 10% बढ़ाएगा जियो तो इस प्लान का जो प्राइस रहने वाला है 529, यानी 529 रुपीज आपको ये बढ़ जाएगा, 479 से लेके 529 रुपया जो है इस प्लान का जो है प्राइस बढ़ जाएगा, जिसमें से सेम आपको 2.5 GB से लेके 2 GB तक पर डे मिलेगा 56 डे के लिए,
और इसमें सेम 3000 GB तक आपको 5G अनलिमिटेड डेटा देखने को मिल जाएगा। अब सेम बात करेंगे 3 महीने के लिए, 3 महीने का प्लान आएगा तो वो किस तरह से रहेगा। अभी जो पॉपुलर प्लान है 3 महीने का, ज़्यादातर लोग जो कराते हैं 666 यानी 666 रुपीज़ का आपको प्लान अभी देखने को मिलता है, जिसमें आपको सेम 1.5 GB डेटा देखने को मिलता है एंड अनलिमिटेड कॉलिंग देखने को मिलता है। अब इसमें अगर 10% जियो बढ़ाया तो कितना रेट होगा, तो इस प्लान का रेट जो हो जाएगा थोड़ा महंगा, यानी कि 729 जो है इस प्लान का प्राइस हो जाएगा। 729 आपको 3 महीना के लिए पे करना पड़ेगा डेटा 2 GB से लेकर 2.5 GB पर डे तक, 4G डेटा एंड अनलिमिटेड कॉलिंग एंड 5G वही 3000 GB आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही प्लान रहने वाला है पॉपुलर प्लान। बाकी जब कंफर्म हो जाएगा तो मैं आप सभी के लिए वीडियो बना दूंगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैं आप सभी के लिए वीडियो बना दूंगा। अब प्राइजिंग की बात को, तो शुरू में तो जियो इतना हाई रेंज नहीं करेगा जिससे कस्टमर जो है थोड़ा गाली वगैरह दे पीछे हटे, लेकिन आपको प्राइस जो है जरूर से जरूर 10% से लेकर 40% तक बढ़ेगा धीरे धीरे, या बोलूँ तो साल दर साल बढ़ेगा, एक बाइक नहीं बढ़ेगा लेकिन धीरे धीरे। हाँ, आपको प्राइस जो है हाइक देखने को मिलेगा, वो कंफर्म एयरटेल ने जो है कह दिया है कि हम अपना पर यूजर रेवेन्यू जो है बढ़ाएंगे। तो ऐसे आपको प्लान कैसा लगा, शुरू में उतना महंगा नहीं पड़ेगा लेकिन धीरे धीरे महंगा पड़ेगा। वैसे प्लान आपको अच्छा लगा तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलता आप सबसे इस तरह का एक नए वीडियो के साथ।